हरदोई में अधिवक्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ के बैनर तले महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित 7 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया है। वकीलों द्वारा ज्ञापन में मांग की गई है कि सभी सरकारी विभागों के सभी स्तर के अधिवक्ता पैनल में SC ST OBC माइनॉरिटी को जनसंख्या अनुपात में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाए। 65 वर्ष की आयु एवं 35 वर्ष की वकालत पूरी करने के बाद अधिवक्ताओं को पेंशन की व्यवस्था की जाए। वहीं 5 वर्ष तक शुरुआती वकालत और 30 वर्ष की आयु तक के नए अधिवक्ता साथियों को ₹5,000 मानदेय दिया जाए। साथ ही टीन शेड के नीचे बैठे अधिवक्ताओं को चैम्बर की व्यवस्था की जाए और इसके अलावा सभी अधिवक्ताओं को 5 लाख तक के चिकित्सा बीमा की सुविधा लागू हो और अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाए। वहीं ज्ञापन देने वालों में एडवोकेट अमर सिंह, उमेश कुमार वर्मा, फूलचंद, सुनील कुमार, एडवोकेट आरिफ अंसारी सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। संघ भारत के तत्वावधान में जिला यूनिट हरदोई की इकाई ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी पहली मांग है नए अधिवक्ताओं को ₹5,000 प्रतिमाह पेंशन दी जाए, ₹5,000 प्रतिमाह उनको मान दे दिया जाए और 65 साल की जो लोग वकालत कर चुके हैं उनको प्रतिमाह सरकार पेंशन दे और अधिवक्ताओं के लिए 5 लाख का चिकित्सा बीमा लागू किया जाए, अधिवक्ताओं के लिए बैठने के लिए चैम्बर का निर्माण कराया जाए, SC ST OBC के जो पद खाली हैं उन पदों को भरा जाए, न्यायपालिका में पद भरे जाएं, उच्च न्यायपालिका में भरे जाएं और जिला न्यायालय में भरे जाएं। ये 7 सूत्रीय मांगों को लेकर और अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन के लिए अधिवक्ता कानून लागू किया जाए, ये 7 सूत्रीय मांगों को लेकर के हमने जिला हरदोई की इकाई ने आज ज्ञापन दिया है।